पूछते हैं डॉक्टर साहब, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या है? भाई ये न्यूट्रिशन वैल्यू को तो छोड़ें, इसके अंदर जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेजिटेबल के अंदर वो होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कैंसर को फाइट करते हैं। तो आप देख लें इसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है चिली जी, फिर है गार्लिक जो कि कार्डियक को भी यानी कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, कोलेस्ट्रॉल को भी लो करती है। इसके अलावा आपके पास ग्रीन पेपर्स हैं, कैबेज हैं और फिर कैरेट्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। तो ये तो मेन्यू तो बहुत अच्छा है, इट्स अ वेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर मेन्यू आई वुड से। अच्छा ये देखिए जूलियंस कटिंग हमने की है जी इस तरीके से, और ये कैरेट्स के भी हम इसको क्यूब्स में भी आप काट सकते हैं और हम इसको जूलियन भी काट सकते हैं। जैसे मैंने बात सारे किए हुए तो ये इस तरीके से कटिंग कर दी हमने कंप्लीट, ये देखो। अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक में बता रहे थे कि डॉक्टर साहब की जो सबसे फेवरेट डिश है वो भी मेरे ख्याल में कोई स्पैगेटी है। स्पैगेटी, हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल, क्योंकि मेरे इटालियन फ्रेंड्स और ग्रीक फ्रेंड्स बहुत रहे हैं जी, क्योंकि मेरी एजुकेशन यूरोप में ही हुई है सारी, तो स्पैगेटी अली अग्लियो में बेसिकली थोड़ा सा ऑलिव ऑयल होता है जिसमें डाला और ओनली गार्लिक एंड चिली एंड दैट्स इट। ऑलिव ऑयल, ऑलिव जो है ना वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही मुफीद है, इसका तो जिक्र आपको पता ही है हमारे, बिल्कुल बिल्कुल हर जगह ये कौन चाहिए। गार्लिक से ऐसे बेसिकली ना एनहांस भी है, कुरान में मौजूद है, जितनी चीजें उसमें आती हैं कुरान में वो तो वैसे ही शिफा है हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें ना मेडिटेरेनियन कंट्रीज जितनी भी है वहाँ पे कार्डियक इंसिडेंट्स कम होते हैं जी, ग्रीस हो गया और इटली हो गया, वहाँ पे लोगों को कम हार्ट अटैक्स होते हैं क्योंकि उनकी डाइट ऑलिव ऑयल से ज्यादातर इन्वॉल्व होती है, ऑलिव्स में होती है। और अच्छा ये सबसे पहले हमने कैरेट्स डाले ताकि वो और लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये वेजिटेबल थोड़ा सा, उम्मीद है मुझे कुछ खाने को भी मिलेगा बाद में। जी जी बिल्कुल, इसको लाइट सौते करना है वेजिटेबल को, जहाँ आजकल सियासत में आपको खाने का वक्त मिल जाता है या बस, क्योंकि मैंने आपको देखा है कैंपेनिंग के दौरान जो है ना बस कहीं कोई अगर पैटिस मिल गई तो वो खा ली, कहीं सैंडविच खा ली, मेरा तो नहीं ख्याल कि आपको प्रॉपर जो है ना वो खाने का वक्त मिलता है। और अम्मी इंतजार ही करती रहती हैं फिर 4-5 बजे सुबह, क्योंकि 12 बजे से काम शुरू हो जाता है हॉस्पिटल का। तो जी जी, अच्छा हमने कैरेट्स डाला है, इसके बाद कैबेज डाल, ग्रीन पेपर डाला है, अब हम कैबेज डालेंगे, जितनी ये टमाटो वगैरह है ये लास्ट में हम ऐड करते हैं, बाकी चीज़ें जो थोड़ी सी हार्ड है उसको हम सौते करेंगे। अच्छा लाइक 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऑयल कम करके ताकि ज़्यादा ऑयली भी ना हो, ये सौते हो गए 2 से 3 मिनट, अब इसके अंदर हमने सोया सॉस ऐड करेंगे। देखें ये बहुत अच्छी बात है, ये ओवर कुक नहीं कर रहे क्योंकि ओवर कुक करने से सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, विटामिन सारे बर्न आउट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही करें ना बिल्कुल परफेक्टली कुकिंग। अच्छा जी, इसके अंदर हमें ऐड करना है सॉल्ट, अपने हमने जायका तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे क्योंकि आधा के जी अगर कोई चीज़ है तो इसमें 1 टीस्पून ऐड करते हैं, क्या नहीं बताया ये आपने, नमक इसमें ऐड किया है और सोया सॉस आपने डाला, सोया सॉस ऐड किया है, कलर जी इसकी फ्रेंच है बिल्कुल ओके। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर, वो भी हाफ 1 टीस्पून है। डॉक्टर साहब इस वक्त जितने गौर से देख रहे हैं ना मुझे ऐसा लग रहा है, दिल चाह रहा है इनका कि बस मैं जल्दी से ये डिश पकड़ूं और कुक बनाना शुरू। भाई मैंने 6-7 साल पूरे अपने हॉस्टल के लिए मैं कुकिंग करता था, तो ऐसी कोई डिश छोड़ी नहीं जो मुझे नहीं आती हो बनानी, एंड आई रियली एंजॉय कुकिंग एंड सर्विंग मोर देन ईटिंग। लास्ट में ये हमने ऐड करना इसमें, ये देखिए सुपर, ये भी इसमें ऑयल हमने डाल दिया था इसलिए स्टिकी नहीं हो रहे, अमूमा जो है खवातीन ये बॉयल करते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, ठंडे पानी से वॉश करना जरूरी है ताकि थोड़े से हार्ड होके और ये स्टिकी ना हो। बिल्कुल, ये देखें इस तरीके से हमने आपको तो मिक्स कर देंगे आप, ये बड़ी क्विक डिश है ये मेरे ख्याल में, बहुत जल्दी बन जाती है और इसकी कलरफुल ये ना ये और भी खाने में भी मज़ा आता है, मतलब जो कि यमी सा थोड़ा बच्चों के लिए बता आपको कलरफुल जो चीज़ होती है जो लोग लाइक नहीं करते तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अब इसमें ऐड कर सकते हैं आप मर्जी आपकी चिली गार्लिक केचप डालें या सादा डालें। अच्छा ये स्प्रिंग ऑनियन हम लास्ट में डाल लें क्योंकि इनको ज़्यादा हीट की जरूरत नहीं होती है और सौते करने के बाद लाइट सा, तो इसमें मिक्स होने के बाद ये देखिए कलरफुल वेरी नाइस डिश बन गई है ये बहुत ही, ये देखिए। अब इसके अंदर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, बॉयल चिकन भी ऐड कर सकते हैं और चिकन को वेजिटेबल के साथ सौते करके फ्राई भी कर सकते हैं आप। ये हमारा कम्प्लीट हो गया, अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं केचप, ये चिली केचप है थोड़ा स्पाइसी, अगर सादा करना चाहें तो सादा भी ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट। बस ये इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो यही रहेगी, इतनी ही कुक होती है बस, ज़्यादा नहीं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा वेजिटेबल को आप कुक कर देंगे तो फिर खाने में भी मज़ा नहीं आएगा, दूसरे अपेयरेंस और उसकी जो बेनिफिट्स वो ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में तो पास्ता हो या स्पेगेटी हो या ब्रेड हो, मतलब ये चीज़ें बल्क ऑफ द फूड में तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ थोड़ा सा रोटी और चावल का जो है ना वो ज़्यादा रिवाज है, लेकिन वेस्ट में तो ज़्यादातर यही चीज़ें आपको बल्क ऑफ द फूड है। बिल्कुल, हर चीज़ मकदार में खाई जाए तो सही होती है। और अब एक जगह के बजाय अगर आप 10 रोटी खाएंगे तो वो भी नुकसानदेह। बिल्कुल, तो हर चीज़ अपने लिमिटेशंस में अच्छी, बिल्कुल हेल्थी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अच्छा, चले भाई ये ट्रे लेके मैं घर जा रहा हूँ। नहीं, मेरे पास बॉक्स भी है, मैं उसको वेरी नाइस एंड वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी कलरफुल और सारी चीज़ें। इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, चिकन भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें चिकन क्यूब्स और ये जो हां लाइक यानी कि बॉईल करके भी कर सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो चिकन बॉईल कर लेते हैं, उसको ये है कि इजी रहता है आपको बनाने में। ये हम दिखाना भी चाहेंगे अपने जो हमारे देखने वाले हैं कि ये डिश तैयार हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सरप्राइज कॉल आपके लिए मौजूद है जो हमारे स्टूडियोज में आई है। हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आवाज मुझे बहुत ही जानी पहचानी लग रही है, मैं तो पहचानता हूँ किसकी आवाज है। डॉक्टर साहब आप बताएं किसकी कॉल है। पहचान गए हैं, गजाला जावेद बिल्कुल हमारे पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट। बहुत खुशकिस्मती है हमारी, आपने आज सुबह सुबह कॉल कर ली हमें। कैसे उठ के टीवी देख रही थी आप, कैसे आज जल्दी उठ गई हैं? अरे मैं तो इधर हूँ भी नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ, कराची से बाहर हूँ, लेकिन जब मैंने टीवी लगाया तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि इस वक्त मेरे बच्चे जो है वो मॉर्निंग शो में बात है। देख लें आप। एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा किया, क्योंकि मीडिया और टीवी जो है स्पेशली एक ऐसा जरिया है कि जहाँ हम पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तो मैं सिर्फ इमरान अली शाह के लिए यही कहूंगी कि खुदा करे, अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग आए जो कि हमारा मुल्क भी हम फख्र करें कि ये हमारा पाकिस्तान है, हमें कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान अली शाह को ना तो किसी शोहरत की ज़रूरत थी, ना किसी पैसे की ज़रूरत है और ना किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत है। ये लोग सिर्फ खिदमत करने के लिए, देखिए हर इंसान खिदमत करता है, ये बात नहीं कि ये लोग जो है जब इनको सियासत में आ जाएंगे या कुछ चीज़ मिल जाएगी तो इसलिए ये लोग खिदमत करेंगे। एक्चुअली बात ये होती कि ये लोग खुद सियासत में नहीं आना चाहते, मेरा बच्चा सियासत में नहीं आना चाहता, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म होता है, जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उससे जो काम आप लाही काम करना चाहते हैं और जो अपने मुल्क के लिए करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जब आप पर्सनली कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारे लोग जो हमारे सियासतदान हैं वो बीच में आ जाते हैं, कोई एक काम करना चाहता है तो नहीं ये आप इसकी ये परमिशन है इसका ये है। कोशिश की जाती है कि किसी भी अच्छे इंसान को आगे ना आने दिया जाए ताकि वो जो कुछ वो कर रहे होते हैं वो उनको जाहिर है कि कोई भी शख्स अगर अच्छा काम करेगा तो एक गलत काम कर रहा है, तो गलत काम करने वाला है उसको वो एक प्लेटफॉर्म से कर रहा है तो वो आपके ऊपर हावी होगा। लेकिन जो एक शख्स खुद से पर्सनली कर रहा होता है तो वो बेचारा दब के बैठ जाता है कि क्या करें, हमारे सामने तो इतने कांडे बोल दिए जाते हैं कि हम क्या करें। तो मेरे लिए तो इंतहाई खुशी की बात है कि आज इमरान अली शाह इनके डॉक्टर मोहम्मद अली शाह की खिदमत को मेरा ख्याल पाकिस्तानी पूरी दुनिया जानती है कि वो उन्होंने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क के गरीबों के लिए क्या किया और इस मुल्क के स्पोर्ट्स के लिए क्या किया। आज उनके बच्चे, कभी कभी तो कहते हैं ना कोई माली ऐसा होता है कि अपने पौधे लगाता है और वो जब चला जाता है तो वो पौधे सूख जाते हैं, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने ऐसे पौधे लगाए हैं तो माशाल्लाह और भी ज्यादा तनावर दरख्त बन गए हैं और उसकी छाओं में पूरा पाकिस्तान बैठ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताएं, आपा ये बताएं कि वापस कब आ रही हैं, फिर आपको शो पे भी आना है मेरे, और मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त तो सिर्फ एक पाकिस्तान है ना, हमें अपने पाकिस्तान को बचाना है और मैं सारी दुनिया से इस वक्त अपील कर रही हूँ पूरे पाकिस्तान के कि खुदा के लिए अल से काम कीजिएगा, जज्बात से नहीं। इसलिए वोट मत देंगे ये बेटा उसका है, ये बहन उसकी है, ये नाना उसका है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं, क्योंकि तो नाना ने काम करना है ना बेटे,
बाप ने करना है ना माँ ने करना है, काम सिर्फ उस शख्स ने करना है जिसको आप वोट देते हैं। तो प्लीज इस वक्त उस इंसान को वोट दीजिएगा कि जिसने काम, उसका बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी, भूल जाइए। सिर्फ एक काम की बात याद रखिए और खुदा के लिए ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो हमारे मुल्क के लिए काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि उनको, उनकी जीत नहीं है, अच्छे लोग आएंगे तो हम कामयाब होंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह आवाम की जीत होगी। आप इंशाल्लाह हर दफा हम लोग हारते रहे हैं, आज तक हम लोग जिन लोगों को भी वोट दिए हमेशा हार के हम रोते हैं और फिर पत्थर मारते हैं और फिर गालियां देते हैं, फिर बोल के नारे लगाते हैं। प्लीज अब इस दफा अपने आप को अदल से काम लेके अच्छे लोगों को वोट दें ताकि हमें कभी भी जिंदगी में पछतावा ना हो। बहुत शुक्रिया कॉल करने का आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब कोई लास्ट मैसेज, बहुत शॉर्ट मैसेज जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहते हैं? शॉर्ट मैसेज यही है, इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, और अगर आप चाहते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे चेयरमैन साहब इमरान खान इस तरीके से पाकिस्तान को उतरी हुई कहते हैं ना पटरी से चढ़ा के ट्रेन को लेके आए,